अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले कि इस लेक्चर में आज हम क्या सीखेंगे। बहुत स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा आसान है। हम महीने इस्तेमाल करते हैं वक्त बताने के लिए, जैसा कि इंग्लिश में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन महीनों को चाइनीज में क्या कहा जाता है या चाइनीज इन महीनों को कैसे पुकारते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि योए इसका मतलब है मंथ यानी महीना। योए 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 यानी मंथ महीना। योए मतलब मंथ महीना। इससे ही सारी कहानी आगे चलनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी काउंटिंग। काउंटिंग हम एक से लेकर 99 तक पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। ई एक, अर दो, सन तीन, स चार, वु पांच, लियो छ, छी सात, पा आठ, च्यो ठीक है, च्यो नौ, शिर शिर दस, शिर ई ग्यारह, शिर अर बारह। बारह महीने हैं, इसलिए हमें 12 अदाद की ही जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। पहले हमने देखा योए यानी महीना, और ये ई से लेके शिर अर तक काउंटिंग। अब इसका इस्तेमाल करके हम महीनों के नाम बनाते हैं। तो देखें, बहुत ही आसान है। ये देखें, योए महीना, और उसके स्टार्ट में मैंने ई लगा दिया, ई यानी एक, तो ई योए यानी जनवरी, जनवरी ठीक है, ई योए जनवरी, ई योए जनवरी या जनवरी ठीक है। तो इसी तरह दो को क्या कहते हैं, अर, अर के बाद योए लगा दिया तो क्या बन गया, फरवरी, फरवरी, अर योए, अर योए, अर योए। इसी तरह तीन को क्या कहते हैं, सन, सन योए, मार्च, मार्च कौन सा महीना है, तीसरा महीना। बहुत ही आसान है, देखें बस आपने गिनती के मुताबिक इसको बना लेना है। मार्च का कौन सा नंबर है, तीन, तो सन योए, सन योए। इसी तरह चार, स, 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 तो स योए, अप्रैल, अप्रैल ठीक है। इसी तरह पांच को क्या कहते हैं, वु, और मई कौन सा महीना है, पांचवा, तो वु योए मई ठीक है। इसी तरह छह को क्या कहते हैं, लियो, तो लियो योए जून, जून कौन सा महीना है, छठा, छह नंबर वाला, लियो योए, लियो योए, लियो योए ठीक है। इसी तरह सात यानी छी, छी योए यानी जुलाई ठीक है, छी योए जुलाई। पा योए अगस्त, अगस्त का कौन सा नंबर है, आठवां, और पा का मतलब क्या है, आठ, पा योए अगस्त। इसी तरह च्यो योए सितंबर, च्यो योए सितंबर, च्यो नौ, और सितंबर का भी कौन सा नंबर है, नौ, च्यो योए सितंबर। आगे शिर, दस को क्या कहते हैं, शिर, शिर योए अक्टूबर, शिर योए अक्टूबर, अक्टूबर का कौन सा नंबर है, दस, तो इसको क्या कहेंगे, शिर योए। इसी तरह शिर ई यानी ग्यारह, और नवंबर का कौन सा नंबर है, ग्यारह, शिर ई योए, शिर ई योए नवंबर, शिर ई योए नवंबर। इसी तरह शिर अर यानी बारह, योए महीना, दिसंबर का नंबर कौन सा है, बारह, तो शिर अर योए दिसंबर, शिर अर योए दिसंबर ठीक है। बहुत ही आसान है, जस्ट आपको गिनती
पता हो, उसके बाद आपको पता हो कौन से महीने का कौन सा नंबर है। जैसा कि देखें, जनवरी फरवरी पहला दूसरा महीना है, ठीक है, नवंबर दिसंबर 11वां 12वां महीना है, साफ पता चल रहा है, मार्च तीसरा महीना है, ठीक है, मई 5वां है, ठीक है, आपने अगर तैयार करना है तो इस तरह से, अप्रैल 4था है, जून जुलाई 6ठा 7वां, ठीक है, जून जुलाई 6ठा 7वां, अगस्त 8वां, अक्टूबर 10 है, ठीक है, अक्टूबर 10, 10 से पहले क्या आता है, सितंबर, सितंबर यानी 9। तो इस तरह से आपने कोई भी अपने तरीके से बना के आपने इसको याद करना है, और जस्ट गिनती और इंग्लिश महीना जो भी है इसका आपको नंबर पता होना चाहिए, और आप इसे इजीली चाइनीज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी, एंजॉय भी किया होगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को।